इसी के साथ में अब मंत्री जी, ये सरस फूड फेस्टिवल पिछले साल के मार्फत इस साल और बड़ा है और व्यापक हो रहा है। देखिए, इसका लगातार विस्तार हो रहा है, इसकी संख्या भी बढ़ रही है, लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है, और ये अपने आप में एक नया एक प्रयास है हमारा। एक सारस जीविका जो सारस फेस्टिवल अभी आज 28 से हमारा ये 10 तक चलेगा, और मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता है कि जब देश भर की हमारी माता बहनों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है इसमें, और नए नए आइडिया नए नए प्रयोग हो रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे माता बहनों की संख्या और उनकी भागीदारी, ये इस बात का प्रमाण है कि हम जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं ये अपने आप को, और प्रधानमंत्री जी की जो नए आइडिया ने जैसे कहा कि भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत, ये जो कल्पना उन्होंने किया है शायद ये इसका ये प्रमाण है कि हम पूरे देश भर में देख पा रहे हैं। सर, आज जो पोर्टल लॉन्च हो रहा है इसमें वन नेशन डिजिटल कॉमर्स ONDC का यदि समावेश हो जाए तो ये पोर्टल और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट हैं उनको और ज़्यादा व्यापकता मिलेगी डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारा ये प्रयास है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन हमने व्यवस्था किया है कि जहाँ पर प्रोडक्ट है जिन जिलों के अंदर, अगर अंतिम छोर में भी भारत के किसी कोने में, पर उसकी जो मार्केटिंग की जो व्यवस्था है उसकी पेज का है वो हम ये करेंगे। तो इस प्रकार की शर्त यही है कि उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हमने इसलिए व्यवस्था किया है, और उसमें से ज़्यादा उनको जो भागदौड़ करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। अगर हम सीधे रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे ऑनलाइन से जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये पूरे भारत के लिए एक अच्छा उदाहरण हम पेश कर सकते हैं, इसको और हम बेहतर बनाएंगे। एक छोटा सा सवाल क्या सर, आप ये जो छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और जो छोटे कामगार हैं, क्या इनको ट्रेनिंग दे पाएंगे डिजिटल मंत्रालय के तरफ से या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? प्रशिक्षण की व्यवस्था रखी है हमने, और समय समय में राज्यों को हमने कहा भी है, अलग अलग हमारे जो नर्स है जी हमारे, हम इस बात को देखते हैं कि प्रशिक्षण की व्यवस्था, उनको थोड़ा गाइडेंस देना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, और ताकि उनको एक तो हम उसके अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, वहाँ की क्या संभावना बन सकती है, सभी चीज़ों को डिजिटल प्रेजेंस की प्रशिक्षण, वो प्रशिक्षण उसकी करते हैं, प्रशिक्षण की व्यवस्था हम करते हैं डिजिटल, हर अलग अलग स्टेटों को करते हैं, और हमारा उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था। थैंक यू सर।